हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्याग्रा टेडलाफिल लेने के बाद आप कितनी बार सेक्स कर सकते हैं, या एक पुरुष व्याग्रा टेबलेट लेने के बाद औसतन कितनी बार सेक्स कर पाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इस तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि कौन सा सेक्स टैबलेट सबसे बेस्ट होता है पुरुषों के लिए, अगर आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्स टैबलेट का क्या काम होता है। आप चाहे कोई भी सेक्स टैबलेट ले रहे हों, सबका काम एक ही होता है और सभी टैबलेट एक ही तरह से बॉडी पर काम करती है। सेक्स टैबलेट लेने के बाद आपकी बॉडी में और पेनिस पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और आपके पेनिस या लिंग में हार्ड इरेक्शन मिलता है जिससे आप सेक्स का पूरा मजा ले पाते हैं। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, आपका लिंग खड़ा नहीं होता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं सेक्स करने के लिए, तो ये टैबलेट आपको इरेक्शन पाने में हेल्प करती है। इससे आप आसानी से संबंध बना पाते हैं और बेड पर लॉन्ग लास्ट रहते हैं। तो अब बात करते हैं सेक्स टैबलेट लेके कितनी बार सेक्स किया जा सकता है। सेक्स टैबलेट व्याग्रा टेडलाफिल वर्डेनाफिल या एवेनाफिल जहां आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन देती है, अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो ताकि आप संबंध बनाने का आनंद ले पाए, वहीं ये टैबलेट आपके सेक्स टाइम को बढ़ाती है और आपके रिफ्रैक्टरी टाइम या पीरियड को कम करती है और आप देर तक संबंध बना पाते हैं। तो इसमें सवाल आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड किसे कहते हैं, इसका जवाब आगे एक्सप्लेनेशन पर काम आएगा। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाने और सेकेंड राउंड के लिए रेडी होने के बीच के टाइम को रिफ्रैक्टरी टाइम या पीरियड कहा जाता है। ये टाइम सारे पुरुषों का अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो जब आप कोई भी सेक्स टैबलेट लेते हैं तो ये आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन सेक्स टाइम बढ़ाने के साथ आपके रिफ्रैक्टरी टाइम को भी कम करता है, मतलब आप टैबलेट लेने के बाद जल्दी रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, जिससे आप ज़्यादा देर तक संबंध बना पाते हैं टैबलेट ना लेने की तुलना में। इजुकुलेशन के बाद आप रिलैक्स तो होते हैं पर जल्दी रेडी हो जाते हैं दोबारा संबंध बनाने के लिए। कितनी देर में रेडी होंगे ये आपके रिफ्रैक्टरी टाइम पर और आपके बॉडी पर डिपेंड करता है एग्जैक्ट टाइम, बट आप खुद फ़र्क महसूस कर पाएंगे आप कितने जल्दी रेडी हो पाते हैं टैबलेट ना लेने की तुलना में। तो एग्जैक्ट आप कितनी बार संबंध बना पाएंगे ये आपके रिफ्रैक्टरी टाइम और आपके बॉडी पर डिपेंड करता है, बट आप ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम सेक्स कर पाएंगे टैबलेट ना लेने की तुलना में। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि आप कितनी बार संबंध बना पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।